आपने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास या फिर स्पाई कैमरास देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने बनाना सीसीटीवी कैमरा या बनाना स्पाई कैमरा देखा है, या फिर एप्पल सीसीटीवी कैमरा या फिर एप्पल स्पाई कैमरा देखा है? नहीं। तो आज देख लीजिए। तो ये देखिए, ये वाला हो गया बनाना सीसीटीवी कैमरा या फिर बनाना स्पाई कैमरा। उसके बाद ये देखिए, ये वाला हो गया एक एप्पल सीसीटीवी कैमरा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको खाना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया एप्पल सीसीटीवी कैमरा या फिर एप्पल स्पाई कैमरा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आजकल जो कैमराज है बहुत ही छोटे हो गए हैं। तो आज मैं सबसे छोटा वाईफाई सीसीटीवी कैमरा या फिर वाईफाई स्पाई कैमरा का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये हो गया कैमरा का बॉक्स। और ये जो कैमरा है ये अमेजन पे अवेलेबल है और इसका प्राइस है 2650 रुपीज़। और अमेजन का ये जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आप इस कैमरा को खरीद सके। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे ऊपर ये वाला हो गया यूज़र मैनुअल, उसके बाद ये वाला हो गया कैमरा मॉड्यूल, उसके बाद ये वाला हो गया बैटरी। मतलब ये जो कैमरा है ये बैटरी के साथ आता है। तो ये एक पोर्टेबल वाईफाई सीसीटीवी कैमरा है। तो चलिए अभी देखते हैं इस कैमरा मॉड्यूल को। तो आप देख सकते हैं अमेजन पे जैसा है वैसा ही मिला है। तो इसमें ये वाला हो गया बैटरी, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कैमरा मॉड्यूल को। तो ये वाला हो गया कैमरा मॉड्यूल, बीच में ये वाला हो गया सर्किट, यहाँ पे ये वाला हो गया कैमरा, ये वाला वाईफाई एंटेना और ये वाला बैटरी कनेक्टर। तो ये जो बीच में जो सर्किट है यहाँ पे आपको एक माइक्रो एसडी कार्ड डालना पड़ेगा, तो इसी में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा और इसके प्लेबैक को आप मोबाइल ऐप से देख पाएंगे। तो इस सर्किट में ही सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बटन है ऑन ऑफ का। और ये वाला हो गया माइक्रो यूएसबी चार्जिंग इनपुट, यहाँ पे आप कोई सा भी माइक्रो यूएसबी वाला मोबाइल चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेन थिंग है यही है। उसके बाद जो कैमरा है चलिए उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाला हो गया मेन कैमरा जो बहुत ही छोटा है, इसीलिए आप इसको कहीं पे भी छुपा सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे जो कैमरा है वो कहीं पे भी छुप सकता है, लेकिन जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा है और अगर बैटरी लगा देंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ पे डालें। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को एक वाईफाई पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा या स्पाई कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस कैमरा को किसी बुरे काम के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो चलिए अभी यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बैटरी अभी कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको जरूरत पड़ेगा एक मोबाइल चार्जर का, और ये वाला हो गया एक सॉकेट, तो वहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ। और अभी मोबाइल चार्जर का ये वाला जो माइक्रो यूएसबी है इसको मैं लगाने वाला हूँ इस कैमरा के सर्किट में, और अभी इसमें पावर देंगे। तो अभी ये बैटरी चार्ज हो रहा है। तो जब तक कैमरा का बैटरी चार्ज होता है चलिए इस कैमरा के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो कि ये कैमरा एक वाईफाई कैमरा है, तो इसीलिए इसके फुटेज को आप अपने स्मार्टफोन पे दुनिया के कहीं से भी देख पाएंगे। सिर्फ आपको ये जो कैमरा है इसको किसी इंटरनेट वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये कैमरा ऑनलाइन हो जाएगा और उसके फुटेज को आप कहीं से भी देख पाएंगे। उसके अलावा ये जो कैमरा है ये विदाउट इंटरनेट भी चलता है अप टू 20 मीटर्स। मतलब कैमरा से भी हॉटस्पॉट निकलेगा जिसको आप स्मार्टफोन पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अप टू 20 मीटर्स तक एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो कैमरा है एक्चुअली ये कैमरा का मॉड्यूल है, मतलब सीसीटीवी कैमरास के अंदर जो चीज होता है वही है। तो इस कैमरा मॉड्यूल से आप अलग अलग टाइप का कैमरास बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया बनाना कैमरा और एप्पल कैमरा। तो इस टाइप का आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इसको एज ए सीसीटीवी कैमरा यूज कर सकते हैं, स्पाई कैमरा यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए डोर कैम यूज कर सकते हैं। मतलब आपके घर के दरवाजे का जो पीप होल है वहां पे भी आप इस कैमरा को लगा सकते हैं और दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है आप स्मार्टफोन पे देख पाएंगे। तो इसको आप एज ए डोर सीसीटीवी भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको आप ड्रोन पे लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बैटरी भी है। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप इस कैमरा को कैसे यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि इस कैमरा को प्लीज किसी बुरे काम के लिए यूज मत कीजिए, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कृपया इसको यूज ना कीजिए। तो चलिए अभी इस कैमरा को मोबाइल ऐप पे ऐड करते हैं और उसके बाद इसका जो वीडियो क्वालिटी है डे का नाइट का कैसा है चलिए वो भी देख लेते हैं। Few moments later. तो चलिए अभी कैमरा को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच है, तो ऑन करते ही यहाँ पे रेड लाइट जलना शुरू हो गया है और थोड़ी देर के बाद ये ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्लिंक करेगा। और अभी ये कैमरा हॉटस्पॉट एमिट कर रहा है, मतलब इसमें से वाईफाई निकल रहा है, जो आप चेक कर सकते हैं आपके वाईफाई सेटिंग्स पे जाके। तो ये देखिए, ये जो एफ
55 है, ये वाला इस कैमरा का वाईफाई है और ऊपर वाला मेरा घर का ब्रॉडबैंड है। तो अभी ऐप में चलेंगे और जो ऐप है उसका नाम है लुक कैम, जो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। तो ये वाला हो गया ऐप का इंटरफेस। तो यहाँ पे प्लस का एक आइकन है, वहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा कैमरा को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, पहला वाला है ऑनलाइन और लास्ट वाला है ऑफलाइन कनेक्शन। मतलब इस लास्ट वाले के लिए आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है, ये कैमरा डायरेक्टली आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो वाईफाई पे जाने के लिए बोला है और जो वाईफाई था उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैमरा का। कैमरा का जो वाईफाई है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया है। अभी ऐप में वापस जाना है, उसके बाद कनेक्शन को कीप करेंगे। तो अभी इस ऐप ने कैमरा को डिटेक्ट कर लिया है, तो कैंसिल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया है डिवाइस ऑनलाइन, तो यहाँ पे टैप करके आप कैमरा को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला है, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। तो कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये देखिए अभी कैमरा ऑनलाइन है, ये देखिए अभी कैमरा कनेक्ट हो चुका है मेरे मोबाइल के साथ। तो ऐसे आप मोबाइल पे कैमरा को लाइव देख सकते हैं और इसका मेमोरी कार्ड में वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है। और ये जो ऐप है इसमें भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, अभी मोबाइल पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके प्लेबैक को कैसे देख पाएंगे। उसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा और इस स्क्रीन पे क्लाउड एंड SD पे टैप करेंगे और उसके बाद ऊपर में SD फाइल पे टैप करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया कैमरा का प्लेबैक, ये कैमरा के माइक्रो SD कार्ड का वीडियो शो कर रहा है। तो इन वीडियोस को आप यहां से प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए प्ले हो रहा है, इसके मेमोरी कार्ड से प्ले हो रहा है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ऐसे आप इस कैमरा को एक CCTV कैमरा जैसा यूज़ कर सकते हैं और इसके प्लेबैक को भी अपने स्मार्टफोन पे देख पाएंगे। तो अभी आपने देख लिया इस कैमरा को मोबाइल पे कैसे ऐड किया जाता है, इसके ऐप के बारे में जान लिया। तो चलिए अभी जानते हैं इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो चलिए देखते हैं इसका वीडियो सैंपल। तो अभी आपको इस कैमरा के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो भी आपने देख लिया है। नहीं, 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 देखा, पूरा देखा। तो आपको ये कैमरा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं बोलूँ तो ये कैमरा ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका जो फ्रेम रेट है बहुत ही कम है, 7 FPS है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसमें माइक्रोफोन भी नहीं है, तो इसीलिए वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी इसका जो वीडियो क्वालिटी है ठीक ठाक है, 720p का है और अच्छे लाइटिंग कंडीशन पे अच्छा वीडियोस आते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये जो कैमरा है ये एक अच्छा कैमरा है, आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।